सो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एक न्यू कार खरीदने का विचार बना रहे हैं और आपको अपनी गाड़ी में सनरूफ चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको टॉप 8 ऐसी कार्स बताने वाला हूँ जिनमें आपको सनरूफ देखने को मिलता है और उनकी प्राइसिंग 9 लाख से 15 लाख रुपीस के अंदर अंदर ऑन रोड आ जाती है। तो आप वीडियो को लास्ट तक बने रहे ताकि आपको टॉप सनरूफ कार्स अंडर 9 लाख टू 15 लाख ऑन रोड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके। सीरीज में 8 नंबर वाली गाड़ी की बात करें तो वो है होंडा की सिटी। ये एक सेडान कार है जो कि अभी हाल ही में फेसलिफ्ट के साथ भारतीय बाजार में लॉन्च हुई थी। सो अगर आप भी इस गाड़ी में सनरूफ के साथ इस गाड़ी को लेना चाहते हैं तो इसके VX मैनुअल ट्रांसमिशन वेरिएंट में आपको अंडर 15 लाख में मिल जाता है, जिसमें सनरूफ आपको देखने को मिलता है। अगर इस वेरिएंट के ऑन रोड प्राइस की बात करें तो पेट्रोल में नियर अबाउट इसकी प्राइसिंग 14,50,000 रुपीज तक ऑन रोड आपको मिल जाती है। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन बात करें इंजन की तो इसमें आपको 1498 1.5 लीटर IVTEC DOHC विद VTC पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि 119.35 BHP की पावर जनरेट करता है एट 6000 RPM एंड 145 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क आपको ये जनरेट करके दे देता है। बाकी फ्यूल परफॉर्मेंस की बात करें 17 KMPL तक का ये माइलेज गाड़ी आपको प्रोवाइड करती है। बात करें 7 नंबर वाली गाड़ी की तो वह Hyundai की वर्ना। Hyundai की वर्ना भी काफी ज्यादा पॉपुलर कार है एंड काफी लग्जरी एंड प्रीमियम दिखने में गाड़ी लगती है और ये भी काफी ज्यादा बिकती है भारतीय बाजार में। तो अगर आप इस गाड़ी का सनरूफ वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आपको सबसे सस्ती ऐसी कार सेडान कार यही है जिसमें आपको काफी कम प्राइस में सनरूफ मिल जाता है। इसका SX पेट्रोल जो कि आपको नियर अबाउट 12,80,000 रुपीज में ऑन रोड पड़ जाता है, जिसमें आपको सनरूफ देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक AC देखने को मिलती है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलता है, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल देखने को मिलते हैं, साथ ही इसमें आपको पुश बटन स्टार्ट, कीलेस एंट्री जैसे काफी प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलते हैं 12 लाख की प्राइस रेंज में ऑन रोड। तो अगर इस गाड़ी के हम इंजन की बात करें तो काफी पावरफुल 1493 cc का डीजल इंजन जो कि 113.42 bhp की पावर जनरेट करता है एंड इसमें आपको 1497 cc का 1.5 लीटर MPI पेट्रोल इंजन जो कि 113.42 bhp की पावर जनरेट करता है। ये दोनों ही डीजल एंड इंजन पेट्रोल ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर आप यही गाड़ी यानी SX को अगर आप डीजल में चाहते हैं तो वो भी आपको अंडर 15 लाख ऑन रोड में मिल जाती है, जिसकी नियर अबाउट प्राइस की बात करें SX डीजल की तो नियर अबाउट आपको 14,50,000 रुपीज में ऑन रोड मिल जाती है। बाकी इसमें आपको सारे फीचर्स टॉप मॉडल वाले मिलते हैं, लेकिन सिर्फ एक फीचर इसमें आपको देखने को नहीं मिलता SX में, जो कि है सिर्फ वेंटिलेटेड सीट्स। बाकी इसमें आपको एलो व्हील्स भी थोड़े से बेसिक से देखने वाले मिलते हैं। अगर आप टॉप मॉडल लेते हैं तो इसमें आपको एलो व्हील्स भी थोड़े अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। बाकी गाड़ी काफी ज्यादा पॉपुलर, काफी ज्यादा फीचर्स के साथ आने वाली ये गाड़ी है। बात है 6 नंबर वाली गाड़ी की तो वो है किया की सोनेट। अगर आप एक सब कॉम्पैक्ट SUV लेना चाहते हैं जिसका टॉप मॉडल आपको नियर अबाउट 15 लाख रुपीज ऑन रोड मिल जाए तो ये गाड़ी भी आपके लिए काफी अच्छी ऑप्शन साबित रहती है। अगर आप इसको डीजल लेना चाहते हैं तो डीजल में इसका टॉप सेलिंग वेरियंट जो की सबसे ज्यादा भारतीय बाजार में बिक रहा है और लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं वो है इसका 1.5 लीटर का GTX प्लस डीजल इंजन जो कि नियर अबाउट 14,90,000 रुपीज में मिल जाता है, जिसमें आपको सनरूफ देखने को मिलता है। अगर आप इस गाड़ी की अगर सनरूफ वाले वेरिएंट्स लेना चाहते हो तो नियर अबाउट इसकी प्राइसिंग 14 लाख रुपीज से ऑन रोड स्टार्ट हो जाती है, जिसमें इसमें आपको HTX प्लस डीजल एंड पेट्रोल में देखने को मिल जाता है। और अगर आप इसका टर्बो वेरियंट लेना चाहते हैं जिसमें आपको काफी अच्छी पावर मिल जाए और इसका जो हाई एंड वेरियंट जिसे आप कह सकते हैं पेट्रोल में, वो है इसका GTX प्लस टर्बो वेरियंट जो आपको 15 लाख ऑन रोड में मिल जाता है। यानी कि अगर आप एक ऐसी गाड़ी देख रहे हैं जिसमें आपको 15 लाख के अंदर अंदर काफी सारे फीचर्स मिल जाए, काफी प्रीमियम फीचर देखने को मिल जाए, तो ये गाड़ी आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन साबित रहती है। बाकी इसमें सनरूफ आपको नियर अबाउट 14 लाख रुपीज से स्टार्ट देखने को मिलती है। बात करें नंबर 5th गाड़ी की तो वो Hyundai की वेन्यू। Hyundai की वेन्यू भी काफी पॉपुलर सब कॉम्पैक्ट SUV है जो कि भारतीय बाजार में काफी ज्यादा बिकती है और काफी कम प्राइस पे सनरूफ ऑफर करती है। अगर सनरूफ वाले वेरिएंट की बात करें हम Hyundai वेन्यू के तो नियर अबाउट आपको वो काफी कम प्राइस में सनरूफ मिल जाता है। तो अगर पेट्रोल वेरिएंट की बात करें तो SX टर्बो आपको नियर अबाउट जिसमें सनरूफ देखने को मिलता है वो आपको 11,60,000 रुपीज तक ऑन रोड मिल जाता है। यानी ये SX टर्बो इसका स्टार्टिंग वेरिएंट है जिसमें आपको सनरूफ देखने को मिलता है। बाकी अगर आप इसी गाड़ी को डीजल में चाहते हैं और इसी वेरिएंट को डीजल में लेना चाहते हैं तो वो नियर अबाउट आपको 11,37,000 रुपीज में ऑन रोड मिल जाता है। तो अगर आपका बजट नियर अबाउट 11 लाख के आसपास ऑन रोड है तो आप एक बार Hyundai वेन्यू को भी विजिट कर सकते हैं, जिसमें आपको सनरूफ के साथ साथ काफी प्रीमियम फीचर्स देखने को मिलते हैं और इसका टर्बो वेरिएंट भी आपको नियर अबाउट इसी प्राइस रेंज में देखने को मिल जाता है। बाकी बात करें नंबर 3rd वाली गाड़ी की तो वो है होंडा की WRV। होंडा की WRV भी काफी ज्यादा अच्छी कार है, लेकिन इसकी इंडिया में सेल्स फिगर काफी कम है क्योंकि इसमें इतने अच्छे आपको फीचर्स नहीं मिल पाते जो कि आपको मिलते हैं। अगर आप इसका पेट्रोल में वेरिएंट लेते हैं VX पेट्रोल वेरिएंट तो नियर अबाउट वो 11 लाख रुपीज का ऑन रोड पड़ता है, जिसमें आपको सनरूफ के साथ साथ काफी प्रीमियम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सेगमेंट में थोड़ी सी आप इसे बड़ी और चौड़ी कह सकते हैं क्योंकि इसका लुक काफी ज्यादा थोड़ा ज्यादा मस्कुलर देखने को मिलता है। अगर इसी गाड़ी को आप डीजल में चाहते हैं तो नियर अबाउट वो
13,86,000 रुपीज में ऑन रोड आपको मिल जाती है। बाकी ये भी एक कार जिसमें आपको सनरूफ देखने को मिलता है और काफी बड़ा सनरूफ देखने को मिल जाता है। तो बात करें इसके पेट्रोल इंजन की, तो इसमें आपको 1199 सीसी का आईवीटेक पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 88.50 बीएचपी की पावर जनरेट करता है एंड 110 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करके देता है। एंड इसी में अगर आप डीजल इंजन लेते हैं तो वो आपको 1498 सीसी का आईडीटेक डीजल इंजन मिलता है जो कि 97.9889 बीएचपी की पावर जनरेट करता है एंड 200 न्यूटन मीटर तक का आपको इसमें टॉर्क मिल जाता है। बात करें नंबर सेकंड वाली गाड़ी की, तो वो है महिंद्रा की एक्सयूवी 300। ये एक ऐसी कार है जिसमें आपको कम प्राइस में सनरूफ तो मिल ही जाता है, लेकिन आपको इसमें सबसे ज्यादा सेफ्टी फीचर्स या सेफ्टी मिलती है, यानी वन ऑफ द सेफेस्ट कार कह सकते हो आप इसे भारतीय बाजार की। तो अगर आप इसका सनरूफ वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं तो आपको काफी कम प्राइस में 11,12,000 रुपीज एंड तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिल जाते हैं। एक है W6 सनरूफ एंटी पेट्रोल वेरिएंट जो कि आपको 10,97,000 रुपीज में सनरूफ ऑफर करता है एंड एक है इसका W6 सनरूफ वाला वेरिएंट जो कि नियर अबाउट 11,12,000 रुपीज में आपको मिल जाता है। तो अगर आप एक ऐसी कार लेना चाहते हैं जिसमें आपको सनरूफ मिले और आपका बजट नियर अबाउट 10 लाख रुपीज है तो आप एक बार इस गाड़ी को विजिट कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपको काफी सारे ऐसे फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आपको किसी और गाड़ी में देखने को नहीं मिलते और इसमें आपको काफी शानदार बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। बात करें नंबर वन गाड़ी की जिसमें आपको सनरूफ देखने को मिलता है काफी कम प्राइस में, यानी कि अगर चीपेस्ट सनरूफ कार की बात करें भारतीय बाजार में तो जो सबसे कम प्राइस में गाड़ी आती है वो है टाटा की नेक्सोन। टाटा की नेक्सोन नियर अबाउट आपको 9,85,000 रुपीज ऑन रोड प्राइस में सनरूफ ऑफर करती है जो कि इसका है XMS वेरिएंट। इसका XMS पेट्रोल वेरिएंट आपको 9,85,000 रुपीज का मिल जाता है जिसमें आपको सनरूफ देखने को मिलता है और बता दें कि इसमें आपको काफी सारे सेफ्टी फीचर्स के साथ साथ काफी अच्छा लुक, एक काफी प्रीमियम लुक देखने को मिलता है इसके एक्सटीरियर एंड इंटीरियर में। बात करें इस टाटा नेक्सोन के स्पेसिफिकेशंस की, इसमें आपको 1199 सीसी का 1.2 लीटर रिवर्टन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 118 बीएचपी की पावर जनरेट करता है एंड 170 न्यूटन मीटर तक का इसमें आपको टॉर्क देखने को मिल जाता है। काफी ज्यादा फन टू ड्राइव इंजन है, काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट कार है अगर आप सनरूफ के साथ भारतीय बाजार में अंडर 10 लाख की बात करें, अगर हम सिर्फ 10 लाख के अंदर अंदर आने वाली कार की, तो वो है टाटा की नेक्सोन XMS एंड सेकेंड इज महिंद्रा की एक्सयूवी 300। तो ये दो टॉप कार्स जो कि अंडर 10 लाख में आपको सनरूफ प्रोवाइड करती है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और गाड़ी से रिलेटेड इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।